भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ भारत सरकार द्वारा तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय ई मैगजीन इंडियन एज के आज हुए लोकार्पण से उर्वरक क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान में नई क्रांति की शुरुआत होगी। इस मैगजीन के माध्यम से विश्व स्तर पर उर्वरकों के तात्कालिक मूल्यों की जानकारी मिल सकेगी, जिससे उर्वरकों की देश में समुचित व्यवस्था करने में सहायता मिल सकेगी। उर्वरक विभाग के प्रयासों से तैयार की गई ये मैगजीन भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पहला प्रयास है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के माध्यम से न केवल देश के भीतर उर्वरकों की उपलब्धता तथा कृषि संबंधी नई तकनीकियां और जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी, जिसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी भारतीय कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होंगी। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवे सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में कृषि क्षेत्र और किसानों के मन में अपने संकल्पों से जो भरोसा और खुशहाली का बीज बोया था, आज वो पौधा पुष्पित पल्लवित हो रहा है। महोदय, आपकी प्रेरणा और प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज का दिन देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब इस विशाल किसान सम्मान सम्मेलन के मंच से आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हमें संबोधित करेंगे। देवी सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ, दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिसर में, इस एक ही प्रमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी है और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चलाया। लेकिन वहां मैंने ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो रचना देखी, उसका एक जो मॉडल खड़ा किया है, मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्ध केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई।
आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले ही पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर